मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है जहाँ सपा बसपा के कुशासन से पार्टी को अगर प्रदेश को निकालना है तो इस समय वहाँ की आवश्यकता है कि हम सब भाजपा के साथ खड़े हों। कांग्रेस का कुछ बन नहीं रहा यूपी में और कांग्रेस इनको हटाने में अक्षम है। जनता उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है, उसके नेतृत्व में विश्वास नहीं कर पा रही है। और अगर मेरे जैसे कुछ लोग बीजेपी से जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें माफिया राज से उत्तर प्रदेश में मुक्ति मिल जाएगी। जहाँ तक अवसरवादिता का प्रश्न है, मुझे कांग्रेस पार्टी का वो नेता बता दीजिए जो पार्टी के में अपने जीवन के इसमें 27 साल में मैं 24 साल कांग्रेस में रही और ऐसे टाइम पे रही जब उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीटें ही कुल कांग्रेस की आती रहीं, 5 से 6%। और कौन सा ऐसा नेता है यूपी का मेरे स्तर का जिसने जो जेल गया हो लड़ते हुए वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों से सरकार से, जिसका घर जलाया गया हो या जिस पे 18-19 मुकदमे चल रहे हों कुशासन का या सरकार का विरोध करने में। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं और इस समय अगर उत्तर प्रदेश को माफियावाद से निकालना है, खनन माफिया, भूमि माफिया, शराब माफिया और अगर कानून व्यवस्था को ठीक करना है, अगर उसे 4-5 सबसे बुरे प्रदेशों की सूची में से निकाल के विकास की ओर उन्मुख करना है, अगर वहाँ पर शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था बनानी है तो इस समय इन सपा बसपा को जाना चाहिए। और ये पूरा उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है कि इन दोनों के कुशासन से मुक्ति मिले। अब कांग्रेस वो जगह नहीं भर पा रही है, विश्वास नहीं पैदा कर पा रही है। मैं समझती हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है, उन्होंने जातीय समीकरण को तोड़ते हुए 73 सीटें प्राप्त की लोकसभा में। आज बीजेपी में अगर सब लोग जुट जाएंगे तो एक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आ सकता है, वो बहुत अच्छा करने वाली है। तो मैं समझती हूँ यूपी को अब मुक्ति का वक्त आ गया है कुशासन से और इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी की बात सोचनी पड़ेगी कि मेरे पिताजी 17 साल की उम्र में आज़ादी के आंदोलन में प्रवेश किए, मैं छोड़ रही हूँ 24 साल इतनी कर्मठता से सेवा करके, तो क्यों? पार्टी की यही तो एक कमी है कि अंदर झांकने के बजाय, अपनी त्रुटियों को हटाने के बजाय, कम करने के बजाय वो आक्षेप लगाते हैं। ऐसे आक्षेप लगाने से अगर ये पार्टी सत्ता में आती हो तो निश्चित आ जाए। मेरा कहना यह है कि पार्टी ना तो विचार मंथन करती है ना अपने को सुधारती है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जिस तरह से पार्टी इस समय बस एक एक बवंडर खड़ा किया हुआ है, यात्राएं चल रही हैं, खाट पंचायतें हो रही हैं, फिर क्या बात है कि जनता ना राहुल जी के नेतृत्व को स्वीकार कर पा रही है ना कांग्रेस को लाने पर विचार कर रही है। आप लिख के ले लीजिए, अगर 20 सीट से ज़्यादा कांग्रेस की आ जाएंगी तो आप जो कहिएगा मैं हारूंगी। क्यों? क्योंकि मैं ग्रास रूट्स पे, ज़मीन पे काम करती हूँ और मैं देख रही हूँ कि जनता कांग्रेस की ओर आकर्षित नहीं हो रही है। लेकिन यूपी को मुक्त तो करना है ना। अब कांग्रेस को क्या आवश्यकता थी कि जब पूरा राष्ट्र आतंकवाद के नाम पर और पाकिस्तान जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहा है, ऐसे वक्त पर चाहे सरकार विपक्ष की हो, कितनी भी अप्रिय आपके लिए हो, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसके विरोध में खड़ा होना हमारे लिए उचित नहीं था।